हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट क्लास 10th सिलेबस ऑफ मैथ्स। तो हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है चैप्टर वन नेम है रियल नंबर। यह आपका मैथ्स एंड क्लास 10th का आपका सिलेबस है। तो देखिए, इस लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चैप्टर वन रियल नंबर, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो यूक्लिड का है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूक्लिड क्या होता है, ठीक है। तो यूक्लिड को समझने के लिए हम समझते हैं कि लेट अ नंबर ए कोई नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, और हमारे पास डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्यू आता है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ जो बचता है रिमाइंडर आर बचता है। सो हम सिंपल टर्म्स में समझे तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, मैंने कोई फाइव लिया है ए मैंने लिया है फाइव, मैंने बी लिया है यहाँ पे टू, बी की वैल्यू लिया है टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए फाइव को मैं डिवाइड करूँगा टू से, टू टू जा फोर एंड वन। तो सेम यहाँ पे अगर मैं इस फाइव को वापस लिखना चाहूँ तो फाइव को कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीपल टू इंटू टू प्लस वन, तो आपका फाइव इक्वल टू फाइव। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। इसको बोलते हैं क्वेशेंट, इसको बोलते हैं क्वेशेंट, या आपका जो बचता है रिमाइंडर होता है, एंड दिस इज डिविडेंट। तो देखिए हमारे पास जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड वो आपके पास डिवाइजर इंटू क्वेशेंट, डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, इसके इक्वल होता है आपके, क्लियर है। तो आपके पास ये इसके इक्वल आता है, तो इसके बेसिस पे हम सम करेंगे, ठीक है। यहां पे एक इसको देखिए, रिमाइंडर ए इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे खासियत है कि जो आर की वैल्यू है, आर जो रिमाइंडर आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा लेस देन किससे होगा, बी, बी से हमेशा छोटा होगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास बी क्या था, टू, तो जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका एग्जाम में, वन मार्क्स में पूछा जाता है काफी बार कि इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, देन वैल्यू ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, आर वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। तो हम क्वेश्चन वन स्टार्ट करते, देखिए तो क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है बेटा आपके पास यूज यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। तो पहला कह रहा है 135 एंड अपनी बुक अपने सामने रखना बेटा, 225 आपको बोला है यूज यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें इस्तेमाल करना है। और क्या करना है यहां पे हमें, फाइंड एचसीएफ, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहां पे बेटा, 135 है, इन दोनों में सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि नंबर कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 135 लेस देन 225, तो 225 आपका ग्रेटर था, जो 225 होता है वो आपका क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो डिविडेंड अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, मैंने क्या बताया था, डिविडेंड आपके पास अगर देखना चाहते हैं आप लोग, तो मैंने आपको कहा कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा कि डिविडेंड क्या होता है, जो आपका अंदर वाला पार्ट होता है, डिवाइजर बाहर वाला पार्ट होता है। जो हमारा ग्रेटर होगा उसको हम लोग क्या बना देंगे यहाँ पे, ग्रेटर वाले पार्ट को हम बना देंगे यहाँ पे डिविडेंड, और यहाँ पे जो हमारा स्मॉलर आ जाएगा डिवाइजर आ जाएगा। चलिए अब इसको करते हैं डिविजन। तो 135 वन जा 135, 135 टू जा 270, तो इसको आप करके देख सकते हैं, 135 वन जा 135, 55 आपका जीरो हो गया, और 12 इसको कैरी देंगे यहां से, 12 3 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे बोरो आएगा इसके पास माइनस करने के लिए, तो 12 3 क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए यहां पे 135, ये आपकी ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये आपके नेक्स्ट टाइम आपका क्या बन जाता है, ये आपका डिविडेंड बन जाता है, इसको ध्यान रखना बेटा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये आपको कंप्लीटली आपको चेक करना है कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसके बेसिस पे हम सबको आगे बढ़ाते हैं। 91 जाए 90,
13 में 9 जाएगा आपका 45। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो ये पहले वाला डिवाइजर होता है किसकी तरह काम करता है, डिविडेंड की तरह काम करता है आपका। तो 45 पूजा कितना हो जाएगा आपका 90, 45 पूजा कितना हो जाएगा आपका 90, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी आपको बेटा ध्यान रखना है, जब भी आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाए, जब भी आपको रिमाइंडर जो है अगर जीरो मिल जाए, तो जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा, ये देखिए हमारे पास ये रहा, जो लास्ट डिवाइजर होगा ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द एससीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाउ एससीएफ इक्वल टू 45, एससीएफ क्या आ गया हमारे पास 45 आ गया। अब देखिए यूक्लिड को अगर हमने इस्तेमाल किया तो यूक्लिड के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना जरूरी है, तो यूक्लिड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो यूक्लिड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा सम क्या था, 225 से स्टार्ट हुआ था। देखिए सम हमारे पास कहां से स्टार्ट, 225 से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए यहां पे 225, वी कैन राइज 225, 220। देखिए बेटा यहाँ पे अभी देखिए मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए 225 को हम लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस 90। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 135 इंटू 1 प्लस 90, ये आपके पास आ गया, क्लियर है, कोई डाउट। अब देखिए जो रिमाइंडर बचता है आपके पास, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इस 135 को जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म में जो हमारा डिवाइजर है उसको लिखते हैं। तो 135 इक्वल टू 135 क्या हो जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। नाउ नेक्स्ट टर्म में हम जिसको किसको लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म में आपका 90 आ जाएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे 90 जो हमारा डिवाइजर है, 90 हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। जहां भी आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो आपका दिस इज योर एससीएफ, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आपका एससीएफ हो गया आपके पास, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी मैंने आपको काफी अच्छे समझा दिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दो तीन बार वीडियो को देखिए, ठीक है, वीडियो को देखने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका पहला सम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सम कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद